फ्रेंड्स, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ आर हिस्ट्री क्लासेस. इन द इंट्रोडक्टरी क्लास वी हैव डिस्कस्ड दैट इन सिलेबस थ्री पोर्शंस ऑफ हिस्ट्री आर मेंशन, स्टार्टिंग फ्रॉम एंशियंट हिस्ट्री, मीडिवल हिस्ट्री एंड देन मॉडर्न हिस्ट्री. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ एंशियंट हिस्ट्री एंड इन एंशियंट हिस्ट्री वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ प्री हिस्टोरिक पीरियड. हम लोग आज देखेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड और समझने की कोशिश करेंगे कि उसमें क्या ऐसा इम्पॉर्टेंट है जो कि हमें पता होना चाहिए, न सिर्फ प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी. हमने अपने इंट्रोडक्टरी क्लास में डिस्कस किया था कि जो हिस्ट्री का तीन पार्ट है, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, तो इन तीनों में ही जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन है, और उसके बाद थोड़ा जो उससे लेस इम्पॉर्टेंट है वो एंशियंट हिस्ट्री का है, और उसके बाद जो आता है वो मिडिवल हिस्ट्री का आता है. एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड एज टू वाई डू वी नीड टू स्टडी हिस्ट्री. वी हैव डिस्कस्ड दैट वी नीड टू स्टडी हिस्ट्री बिकॉज इट डिफाइंस आवर आइडेंटिटी. It tells us about the past event, how the society has evolved over a period of time, how the economy has been shaped over a period of time, and how the polity has changed over a period of time. So history hum padhte hain changes in society, economy aur polity ko samajhne ke liye. To yahan pe bhi jo hamara focus hoga wo yahi hoga, trace karna ki kaise society, economy and polity ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज होता है. और ब्रीफ में एक लाइन आपको ये याद रखना है, वी आर ट्राइंग टू ट्रेस आवर हिस्ट्री. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ प्री हिस्ट्री टुडे. इफ आई विल आस्क यू विच ऑल आर द मेजर सोर्सेज टू नो अबाउट हिस्ट्री, ऐसे कौन से सोर्सेज हैं जिससे हमें हमारे हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, हमारे पास तीन मेजर सोर्सेज हैं जो कि हमारे हिस्ट्री के बारे में हमें बताता है. फर्स्ट वन इज इंस्क्रिप्शंस. इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? एनी राइटिंग ऑन स्टोन, ऑन मेटल और एनी अदर ऑब्जेक्ट फॉर दैट मैटर इज कॉल्ड इंस्क्रिप्शंस. सो इंस्क्रिप्शंस क्या है? एनी सॉर्ट ऑफ राइटिंग ऑन स्टोन, ऑन मेटल, ऑन टेरोकोटा को हम इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं. एंड द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस इज नोन एज एपिग्राफी. वहाँ पे मेंशनड है, यू कैन सी, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस इज नोन एज एपिग्राफी. यू नीड टू रिमेंबर दिस. सेकेंड जो हमारे पास इंपॉर्टेंट सोर्स है, दैट इज लिटरेचर. लिटरेचर अगेन फॉर्म्स वेरी इम्पॉर्टेंट सोर्स विच टेल्स अस अबाउट आवर हिस्ट्री. लिटरेचर कैन बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट. वी हैव रिलीजियस लिटरेचर, वी हैव सेक्युलर लिटरेचर. जब मैं रिलीजियस लिटरेचर बोलता हूँ तो जितने भी रिलीजियस बुक्स हैं वो उसके अंदर आते हैं. हमारे पास चार वेदाज हैं, हमने डिस्कस किया था, ऋग्वेदा, सामवेद, अथर्ववेद एज वेल एज यजुर्वेद. इनके अलावा और भी कई सारे शास्त्राज हैं, स्मृतिज हैं, श्रुतिज हैं, जो कि हमारे रिलीजियस टेक्स्ट को बनाती हैं. नेक्स्ट है सेक्युलर लिटरेचर. सेक्युलर लिटरेचर का एक एग्जांपल हो सकता है अर्थशास्त्र रिटन बाय कौटिल्या, जो कि हमें सोसाइटी, पॉलिटी और इकोनॉमी ऑफ दैट पीरियड के बारे में बताता है. अनदर एग्जाम्पल कुड बी मनुस्मृति, which was written by Manu and which is considered as a law book belonging to that period. So second जो important source है वो है literature. Third जो हमारे पास important source है which tells us about our history is archaeology. Archaeology होते हैं कोई भी structural remains. For example, जो भी Indus Valley civilization जहाँ exist करता था in nearby Indus River, सो वहाँ से हमें कई सारे रिमेन्स मिले हैं जिसको हम हरप्पा रिमेन्स बोलते हैं, जो कि
एक साथ जोड़ने पे हमें काफ़ी कुछ बताता है उस पीरियड के बारे में. सिमिलरली नालंदा यूनिवर्सिटी विच इज़ लोकेटेड इन बिहार टेल्स अस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दैट पीरियड ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द पीरियड ऑफ द मगध किंगडम. सो जो तीन इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं हिस्ट्री को जानने के लिए वो इंस्क्रिप्शंस हैं, लिटरेचर है, आर्कियोलॉजी है. इनके अलावा कॉइन्स जो भी मिलते हैं हमें उनसे भी हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है. जो भी फॉरेन अकाउंट्स हैं, फॉरेन ट्रैवलर्स जो कि इंडिया में आए हैं, यहाँ पे कुछ समय बिताकर उन्होंने हिस्ट्री लिखा है, उससे भी हमें पता चलता है. मूविंग नेक्स्ट, द हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आर इंटरवाइंड. अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, हाउ ज्योग्राफी इज इंटरवाइंड विथ हिस्ट्री. नाउ व्हेन आई टॉक ऑफ ज्योग्राफी इट मीन्स द क्लाइमेट, द सॉइल टाइप, द रिवर, इट्स बेसिन्स एंड सो ऑन. एंड सिंस वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंडियन हिस्ट्री, सो वी मस्ट नो अबाउट इंडियन ज्योग्राफी स्लाइटली, विच विल हेल्प अस इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री. और जब मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, तो मैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में बात कर रहा हूँ. इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है उसमें कंट्रीज इन साउथ एशिया जितने भी हैं वो सभी आ जाएंगे, जिसमें प्रेजेंट डे में 7 कंट्रीज़ हैं जो कि पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स. सो दीज कंट्रीज दे फॉर्म पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट. इनफैक्ट दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन योर प्रीलिम्स दैट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फॉर्म पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट. सो यू नीड टू रिमेंबर दिस. तो जब मैं इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, तो ये सारे कंट्रीज़ पहले पार्ट ऑफ इंडिया हुआ करते थे, तो मैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में बात कर रहा हूँ. अगर हम इंडिया की फिज़िकल ज्योग्राफी की बात करें, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, तो जो तीन मेज़र फिजियोग्राफिकल फीचर्स हैं इंडिया के, नॉर्थ में हिमालय माउंटेन है जो कि स्टार्ट होता है नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया से और एक्सटेंड करता है अप टिल नॉर्थ ईस्टर्न एंड फर्दर एक्सटेंड्स टू साउदर्न साइड. उससे जब साउथ में आते हैं, वी हैव नॉर्दर्न प्लेन्स विच इज़ मेनली फॉर्म्ड बाई 3 मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया. इंडस ऑन द वेस्टर्न साइड, वी हैव गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन द ईस्टर्न साइड. और उससे और साउथ में जब हम जाते हैं, देन वी हैव द पेनिनसुला विच फॉर्म्स द 3rd मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजियोग्राफिकल डिविजन ऑफ इंडिया. इन तीनों जोग्राफिकल फीचर का बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है ये डिसाइड करने में कि कैसे हमारा इंडिया का हिस्ट्री शेप होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम हिमालय के बारे में बात करें, तो हिमालय जो है इट प्रोवाइड नेचुरल डिफेंस टू इंडिया. जो भी फॉरेनर्स हैं, फॉरेन ट्रेवलर्स हैं, उनको हिमालय अंदर नहीं आने देता था क्योंकि वहाँ पर नेचुरल बाउंड्री है. वो इंडियंस को प्रोटेक्ट करता था फ्रॉम द कोल्ड चिली विंड्स विच आर ब्लोइंग फ्रॉम द नॉर्दर्न साइड, द साइबेरियन विंड्स. थर्डली, हिमालय जो है वो इंडियन मॉनसून को भी ट्रैप करता है. जो भी साउथ वेस्ट मॉनसून एंटर करते हैं इंडिया के अंदर, उसको ट्रैप करता है और फोर्स करता है क्लाउड को टू शेड देयर रेन इन द नॉर्दर्न प्लेन्स. सो हिमालय फॉर्म्स a very important physiographical feature of India which had shaped the history of India. Agar hum northwestern part of Himalayas ke bare mein discuss kare, to yahan pe northwestern side mein kai sare passes hain jiska naam aapne suna hoga. Bolan pass is there, Khyber pass is there, jisse foreigners jo hain they used to enter inside India. अगर हम प्लेन्स के बारे में बात करें, तो ऑन द वेस्टर्न साइड वी हैव इंडस रिवर, और द इंडस रिवर इट ड्रेन्स द पंजाब सिंध रीजन. पंजाब सिंध रीजन को वो ड्रेन करता है
और यही मेजर फैक्टर है कि जो वीट बाउल ऑफ इंडिया है वो पंजाब है, क्योंकि वहाँ पे सरप्लस वीट प्रोड्यूस होता था। बट रिसेंटली जो टैग है वीट बाउल का वो शिफ्ट हो गया और मध्य प्रदेश को वीट बाउल ऑफ इंडिया का टैग दिया गया है, क्योंकि इस साल 2020 में देखा गया है कि द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश हैज़ सरपास्ड पंजाब इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस, अगेन दिस कैन बी आस्क्ड इन योर प्रीलिम्स एग्जाम। सो पंजाब और उससे जब साउथ में जाते हैं सिंध रीजन, सिंस इट वॉज ड्रेन्ड बाई द इंडस रिवर, वहाँ पे एग्रीकल्चर का पोटेंशियल बहुत था। अब सिंस एग्रीकल्चर का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा था तो वहाँ पे सेटलमेंट भी ज़्यादा होगा, और यही रीज़न है कि एक पूरा सिविलाइजेशन वहाँ पे सेटल हो पाया है। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो वहाँ पे सेटल होने का जो मेन रीज़न है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द रिवर इंडस। फर्दर अगर हम ईस्टवर्ड जाते हैं तो रिवर गंगा है जो कि ड्रेन करता है हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स को और फर्दर ईस्टर्न प्लेन्स को, और अगर नॉर्थ ईस्ट साइड से देखें तो रिवर ब्रह्मपुत्रा है जो कि ड्रेन करता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को और वहाँ के भी ग्राउंड को फर्टाइल बनाता है। अगर हम साउदर्न पार्ट के बारे में डिस्कस करें तो वहाँ पे पेनिनसुला है अगेन विच इज़ ड्रेन्ड बाई मेजर रिवर्स, और यही रीज़न है कि जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में सेटलमेंट हुआ वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम साउथवर्ड माइग्रेशन उनका हुआ है, और फर्दर जो यहाँ के लोकल थे द द्रविड़ियन कम्युनिटी उनका भी पॉपुलेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तेजी से बढ़ा है। सो द मैसेज हियर वॉज दैट इंडियन सब कॉन्टिनेंट ज्योग्राफी इन्फ्लुएंसेस द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हम लोग धीरे धीरे आगे जब प्रोसीड करेंगे तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ज्योग्राफी जो है वो हमारे हिस्ट्री को शेप करता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ प्री हिस्टोरिक पीरियड। व्हेन आई से प्री हिस्टोरिक पीरियड देन आई मीन द पीरियड विच इज़ प्रायर टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है उसको हम प्री हिस्टोरिक क्यों बोलते हैं? वी कॉल इट प्री हिस्टोरिक बिकॉज राइटिंग वॉज नॉट डेवलप्ड ड्यूरिंग दैट टाइम। सिंस राइटिंग उस समय एग्जिस्ट नहीं करता था इसीलिए उस पीरियड को हम प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं, और सिंस हम इंडिया की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम इंडियन प्री हिस्टोरिक पीरियड को तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द पेलियोलिथिक एज फॉलोड बाय द मीजोलिथिक एज एंड फर्दर द नियोलिथिक एज। सो वी हैव पेलियोलिथिक एज फॉलोड बाय द मीजोलिथिक एज फॉलोड बाय द नियोलिथिक एज। नाउ these three periods of prehistoric times they are referred as stone age. Why stone age? Stone age because at that time metal was not in existence. Since us samay metal existence mein tha nahi to jo stones hain usko commonly use kiya jata tha apne day to day affairs ko manage karne ke liye। उस पीरियड की जो मेन ऑक्यूपेशन थी वो थी एनिमल हंटिंग, हंटिंग एंड फूड गैदरिंग हुआ करता था, और हम उस पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पे फार्मिंग या एग्रीकल्चर उतना डेवलप नहीं था। उतना क्या, उस समय एग्रीकल्चर भी एग्जिस्ट नहीं करता था, तो उस समय जो मेजर सोर्स ऑफ फूड हुआ करता था दैट वॉज हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, और लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट थे टू मैनेज देयर फूड। सो उस पीरियड के अंदर स्टोन जो है उसका बहुत ही वाइटल रोल था। स्टोन को हम लोग हंटिंग के लिए भी यूज़ करते थे, स्टोन को हम लोग सॉइल को डिग करने के लिए यूज़ करते थे, स्टोन को ही हम लोग फिशिंग के लिए यूज़ करते थे, विद द हेल्प ऑफ स्टोन वी यूज टू जनरेट फायर एंड सो ऑन। सो उस पीरियड में स्टोन का बहुत वाइटल रोल हुआ करता था, दैट इज़ वाई
द प्री हिस्टोरिक पीरियड ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज स्टोन एज ऑफ इंडिया. एक एक करके हम देखते हैं हाउ द थ्री पीरियड ऑफ द स्टोन एज ऑफ द प्री हिस्टोरिक पीरियड आर डिफरेंट. Now in this slide, I have mentioned briefly about the time period of the Paleolithic, Mesolithic and Neolithic age. And further, I have described the characteristic in brief, which we are going to discuss in the upcoming slides. The first stage is called the Paleolithic stage. The word Paleolithic is made up of two sub-words. One is paleo, meaning old or ancient. Another one is lithos, meaning stone. So Paleolithic in short means old stone age. If you will track the timeline which was mentioned in the previous slide, the Paleolithic age is believed to exist starting from 5 lakh BC up till 10,000 BC before Christ. So Paleolithic age ka jo period hai, it starts from 5 lakh BC up till 10,000 BC. Now one by one let's try to identify the features of Paleolithic age. The people belonging to this period, they use stone tools for hunting, fishing and other activities. Just now we have discussed ki jo bhi wahan pe log hua karte the, they use stone tools for hunting, fishing as well as other activities. They used to take the large stones which were further tapered at a point in this way, and these were used as a tools for hunting animals as well as fishing. So people were dependent on stones for their day-to-day activities. Further, the people dwelt in caves and they hunted large animals. Since us samay housing ka concept nahi tha, so people, they used to reside in the caves and they used to hunt large animals on the basis of tools which were made of stones. तो ये आपको याद रखना है. प्रिलिम्स में कई बार एमसीक्यूज जो आते हैं उसमें दे दिया जाता है कि पेलियोलिथिक पीरियड में जो टूल्स थे वो किस मेटल के बने हुए थे. सो वो स्टोन्स के बने हुए थे एंड पीपल यूज टू हंट लार्ज एनिमल्स. फर्दर अगेन पीपल लर्न टू क्रिएट फायर बाय रबिंग वुड और स्टोन्स. Now stones were also used to engrave paintings on rocks. The next point is the earth was covered with snow, and that is why the Paleolithic age is known as ice age. So you need to remember the important features of the Paleolithic age, that is the old stone age, starting from the tools were mainly stones, and that too large stones were used. They were chopped off and they were used for hunting, fishing, they were used to create fire and so on. Further, the stones were used to engrave paintings on the rock, and one of the famous painting belonging to the Paleolithic and the Mesolithic period is the rock architecture belonging in Bhimbetka, which lies in Bhopal, Madhya Pradesh. The next stage is the Mesolithic age. The word Mesolithic is again made up of two sub-word, meso and lithos. Meso meaning middle and lithos meaning stone. So Mesolithic means middle stone age, whose period is approximately between 10,000 BC to 5,000 BC. The same thing is provided in the notes which has been provided to you. You can refer the notes as well. Now talking of the features of the Mesolithic period, the ice which was covering the entire earth
it melted slowly as the temperature went high, and thus it created a warm atmosphere. Thus people, they started hunting smaller animals as larger animals died due to disappearing of ice. So smaller animals were there which were much faster as compared to the larger animals. So to hunt those sort of animals, people of this age required smarter tools. So sophisticated and refined tools were needed, which were known as microliths. So what are microliths? They are basically small chips or flakes of sharp stone. हमने पेलियोलिथिक एज में देखा था, वहाँ पे जो स्टोन्स हुआ करते थे वो लार्जर साइज के हुआ करते थे, जिसको कि हम लोग डेली यूज में लाया करते थे. लेकिन मीजोलिथिक पीरियड का जो इम्पॉर्टेंट फीचर है, दैट इज यूज ऑफ माइक्रोलिथ. व्हाट आर माइक्रोलिथ? दीज आर एडवांस टूल्स एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द टूल्स विच वेयर देयर इन द पेलियोलिथिक पीरियड, एंड दे आर स्मॉल चिप्स और फ्लेक्स ऑफ शार्प स्टोन. सो यू कैन सी हियर, यहाँ पे भी जो यूज किया गया है, इंस्टेड ऑफ मेटल दिस इज स्टोन. नाउ द मेन ऑफ दिस पीरियड, दे स्टार्टेड बिल्डिंग आर्टिफिशियल शेल्टर्स, दे स्टार्टेड मेकिंग हाउसेज ऑफ मड्स, विच वॉज मिसिंग इन द पेलियोलिथिक पीरियड. इन पेलियोलिथिक पीरियड पीपल यूज टू लिव इन केव्स, बट इन द मीजोलिथिक एज पीपल यूज टू लिव इन artificial shelters. Further, one of the remarkable feature of this period is that men invented boats, and thus a evolution was observed from Paleolithic age to Mesolithic age. So this was the second stage, which is known as Mesolithic age. After Paleolithic, the next stage was Mesolithic. And after Mesolithic, the third stage is the Neolithic age. Talking of the Neolithic age, again, it is made up of two subwords, neo meaning new and lithos meaning age. So Neolithic means new stone age. Now it began where the Mesolithic period stopped. That is approximately from 6000 BC and extend up till when the copper was invented. So it started from 6000 BC. As temperature went high, it led to growth of agriculture, and further farming became a common occupation. This is a very important point which you need to remember. Since temperature went high, ice disappeared from the earth at majority of the places, which led to growth of agriculture and farming, which became the major occupation of this period. Now, when agriculture developed, people started settling in those specific regions, which gave rise to civilizations, cities, and towns. Again, very important point. Since farming and agriculture developed, so it gave rise to settlement of population, giving birth to towns, cities, and major civilizations came into being. Further, men started domesticating animals and they used cattle products. So again, domestication of animal was there in the Middle Age as well, Mesolithic period as well, but here more number of animals were domesticated, and especially the smaller animals, their domestication started, and the products which can be derived from cattle like milk, etc., they were being used for eating purposes. Further, polished and more sharper tools came into being. जैसे जैसे हम next stage में जा रहे हैं, तो आप observe कीजिएगा कि जो tools हैं वो ज़्यादा refined होते जा रहे हैं. So more polished and sharper tools were developed. Man started building houses with bricks and stones. Earlier, men used to build houses, and the material which they used to use was mainly mud. But in this stage, that is the Neolithic age,
men started using bricks and stones to build their houses. Moving next, since farming was common and men has alternative sources of food apart from hunting and food gathering, so there was leisure time which was left with men, and thus men started making artifacts of bones and beads. You can see these are the artifacts. They are made up of bones as well as beads. Further, wheel was invented in this period, which gave birth to pottery. You must be aware that wheel is not just used for making or for transportation purpose, but rather first when wheel was invented, it was used to make pottery. So since wheel was discovered during Neolithic period, so it was used to make pottery, and further clay pottery and painted pottery were made to store the surplus grains. These are very important pictures. You can see here is being shown that people are creating their tools. Again, these are the tools which belong to the Neolithic period. Houses made up of bricks and stones, and pottery is being made. So you need to remember the important features of the three period, Paleolithic, Mesolithic, as well as Neolithic, and questions are asked based on these three stone ages. Now, again, I have tried to distinguish the points which I have discussed in a tabular form between the Paleolithic, Mesolithic and Neolithic culture. So, aap dekh sakte hain, Paleolithic culture, it was there in Pleistocene period when the earth was covered with ice. Further, Mesolithic culture witnessed rising temperature, as a result of which climate became warm. Further, when ice melted, it became more suitable for carrying out agriculture. Man, they were still in hunting and food gathering stage, but rather along with that, they started fishing and domestication of animals. And further, when we move on to Neolithic culture, domestication of animals became common, use of pottery was common, grinding and polishing of stone became common. अगर हम टूल्स के बारे में बात करें तो टूल्स जो है वो हर स्टेज में रिफाइंड होता गया. यहाँ पे हैंड एक्सेस, क्लीवर्स, चॉफर्स आर द कॉमन टूल्स विच वेर यूज. जब हम मीजोलिथिक स्टेज में जाते हैं तो वहाँ पे माइक्रोलिथ जो है इट बिकेम कॉमन. फर्दर जब नियोलिथिक स्टेज में हम जाते हैं तो वहाँ पे मोर एडवांस टूल्स, शार्प एंड पॉलिश टूल्स वेर यूज, जिसका कि कई सारे पर्पस हुआ करते थे. नाउ अगर हम सबसिस्टेंस पैटर्न के बारे में बात करें, सो दिस वॉज हंटिंग एंड फूड गैदरिंग सोसाइटी एंड पीपल वेयर नोमैड्स. जब यहाँ से हम मीजोलिथिक स्टेज में जा रहे हैं, अगेन हंटिंग एंड फूड गैदरिंग सोसाइटी, बट अगेन फिशिंग ऑल्सो बिकेम कॉमन. फर्दर जब नेक्स्ट स्टेज में जा रहे हैं तो एग्रीकल्चर बिकेम कॉमन, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया है. नाउ the rock painting belonging to this period, stone period, is very common, and one of the famous rock painting is Bhimbetka rock painting, which is there in the Raisen district of Madhya Pradesh, which is 45 kilometer from Bhopal. So at times question are asked that Bhimbetka rock shelter or rock painting is found in which state or in which city. So you need to remember that it is found in Bhopal in the state of Madhya Pradesh, and this is the painting which we are talking of. These paintings are made up of stones. So, agar aap dekh paiyega yahan pe, painting of horses, people sitting on horses and they are traveling, these are being shown here. Now, after Neolithic stage, copper was invented, and that is why the next stage is called Chalcolithic age. Again, the word Chalcolithic is made up of two subword, chalco meaning copper and lithos meaning stone. So Chalcolithic mean copper age or copper period,
whose period was approximately from 5000 BC up till 1000 BC when iron was invented. So the first metal which was invented in India was copper. Now जब कॉपर इन्वेंट हुआ सो स्टोन से धीरे धीरे लोग शिफ्ट किए कॉपर की तरफ और विद द हेल्प ऑफ कॉपर टूल्स वेयर मैन्युफैक्चर्ड. नाउ दोज कॉपर वेयर यूज्ड टू मेक टूल्स विच वेयर हेल्पफुल इन कल्टिवेशन इन कैटल रेयरिंग. फर्दर कॉपर जो था उसमें इतना स्ट्रेंथ नहीं होता है तो इसीलिए कॉपर को एक दूसरे मेटल के साथ मिक्स किया गया दैट इज टिन के साथ मिक्स किया गया एंड अ न्यू मेटल वॉज इन्वेंटेड दैट इज ब्रॉन्ज. सो ये जो मेटल था ब्रॉन्ज विच इज मच स्ट्रॉन्गर देन इट्स एलॉयज ऑफ कॉपर एंड टिन. सो यू नीड टू रिमेंबर द पीरियड इन विच दीज एजेस एग्जिस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द पेलियोलिथिक पीरियड फॉलोड बाई the Mesolithic period followed by the Neolithic period and followed by the Chalcolithic period whose period is 5000 BC to 1000 BC and copper became the first metal to be used in India. Further, with the help of copper and tin, bronze was invented and bronze age civilization started jisko ki hum Indus Valley civilization bhi bolte hain which we'll be discussing in our next class. Now, if you want to practice multiple MCQs based on Arunachal current affairs, then you can join the course. We are already conducting state current affairs series. So those who are interested, they can join it. And further, you can also enroll for our regular classes. Thank you and have a great day.